प्रॉपर 90 की बात है। अच्छा, तो उस वक्त उग्रवाद जो था की बात है सर, प्रॉपर 90 की बात है। अच्छा, तो उस वक्त उग्रवाद गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? आई होप आप सब बढ़िया होंगे मेरी तरह। सो, आज के दिन की शुरुआत कुछ अलग होने वाली है। बोले तो कैसे अलग होने वाली है, आज मैं आपको बाइक पे नहीं घुमाऊंगा, आज मैं आपको थोड़ा सा ये जो गांव है ये मैं आपको घुमाऊंगा पैदल। पहले जहां मैं रहा था रात को, वो रूम देखो ये। यहां पे सिर्फ एक ही होटल है, बाकी सारे गेस्ट हाउस हैं। तो लेके चलता हूँ आपको और बताता हूँ कि यहाँ के बारे में है क्या स्पेशल। ये स्टेयर्स है, सो बेसिकली ये गांव का नाम है केरन। केरन गांव है और इसको एज अ टूरिस्ट प्लेस बनाए हुए सिर्फ 3 से 4 महीने हुए। 4 महीने में पहले ये गांव नहीं था, यहाँ पे कुछ लोग रहते थे, लेकिन अब ये टूरिस्ट प्लेस बना दी गई है। और तो और अभी देखो, ये जितनी भी स्नो देख रहे हो ना आप, ये सारी कल रात को पड़ी है। उसके बाद आपको सस्पेंस दिखाता हूँ कि ज़बरदस्त चीज़ क्या है इस गांव के बारे में। गांव का नाम है केरन। पूरा ये अंडर गवर्नमेंट के नहीं है, ये पूरा अंडर है आर्मी के। तो यहाँ पे जितनी भी टेक केयर करते हैं वो सारे आर्मी वाले टेक केयर करते हैं, कल जैसा कि आपने देखा होगा। और यहाँ के लिए परमिट भी लगता है, कल आपने देखा होगा जब मैं परमिट लेने गया था कैसे परमिट मिला था। रात को स्नो पड़ी थी, यहाँ नहीं पड़ी लेकिन ऊपर पहाड़ियों पे पड़ गई थी, क्योंकि यहाँ रात को बारिश आई थी। तो उन्होंने कहा था, कह रहे कि रात को बारिश आती है यहाँ और दिन में नहीं आती। एक पुलिस स्टेशन है यहाँ पे जो कि पीछे की साइड है, और एक यहाँ पे बैंक है जो कि ये रहा J&K का। अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ के गांव में, और एक और जगह खास जगह पे लेके जाऊँगा, वो आपको अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा जब मैं आपको लेके जाऊँगा। अभी मैंने कुछ ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो वो समोसे बना रहे हैं अभी, तो थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट करेंगे। तब तक के लिए जो डिलीशियन नाम का एप्पल हमें मिला था वो खाऊँगा अभी मैं। कंस्ट्रक्शन चल रही है। बेसिकली आपको बताऊँ तो कल मुझे उन्होंने बताया, मैं सर दिल्ली से। अच्छा, ये रास्ता है, ओके। मतलब रास्ता है नहीं, बनाना पड़ेगा इसको। चलो आप चलिए, बनाना पड़ेगा। ये गांव कितना पुराना है वैसे? कितना पुराना है? टूरिस्ट प्लेस तो अभी 3-4 महीने पहले ही बनी ना। हाँ, उससे पहले रहते थे लोग यहाँ पहले? रहते कब? अच्छा, ठीक। यहाँ आने का रीज़न बता देता हूँ क्या है। ये नदी है, नदी के उस पार जो भी है वो सारा पाकिस्तान का है। स्ट्रेंज ना, ये है केरन, दिस इज द रियल केरन। नदी के उस पार सारा पाकिस्तान है। और तो और अभी आपको हो सकता है मैं एक जगह लेके जाऊँ जिसका नाम है कोबरा पोस्ट। आप लोगों ने कई बार सुना होगा लेकिन कभी देखी नहीं होगी, क्योंकि वो अभी तक रिस्ट्रिक्टेड थी, सिर्फ आर्मी के लिए और कोई नहीं जा सकता था। बट अभी वो पब्लिक के लिए भी ओपन कर दी गई है, आप जाके वहाँ देख सकते हो, फोटो क्लिक कर सकते हो, वीडियोस बना सकते हो, जो मन चाहे आप कर सकते हो। नदी के उस पार पाकिस्तान। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, यहाँ पे इंडिया का एक नया फ्लैग भी लगा है, तो और हम डेफिनेटली आगे की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे और भी फ्लैग होगी। बारिश आने की वजह से पानी का बहाव थोड़ा सा ज़्यादा है। उन्होंने बताया कि 12 बजे के बाद, क्योंकि रात को यहाँ बारिश आती है, दिन में बिल्कुल क्लियर हो जाता है, अभी देखो कि बिल्कुल क्लियर है। तो 12 बजे के बाद वो कहते कि आप चाहो तो आप ले जा सकते हो भाई, बट मैंने कहा नहीं, 12 बजे तक रुकना ही है हमें, हमें तो घूमना है, फटाफट घूम के निकलना है और आगे एक और जगह जाना है। और जो मैं इंडिया के नए फ्लैग की बात कर रहा था, यहाँ पे लगा इंडिया का नया फ्लैग, इसी के कुछ आधा किलोमीटर आगे हमारी कोबरा पोस्ट है, और उसी रूट पे अपना जो यहाँ का गांव है इंडिया वाला वो भी है। लेके चलते हैं अब आपको आगे की तरफ।
सो ये है इंडिया पोस्ट का ऑफिस कैरन ब्रांच, ये देख लो इंडिया पोस्ट कैरन, और यहीं से यहाँ पे है वो है पाकिस्तान। एक और इन्फॉर्मेशन, अगर आपको होटल ना मिले तो आप चाहो तो यहाँ पे टेंट भी ले सकते हो। टेंट का रेंट क्या है मैं अभी पूछ के बताऊँगा अगर मुझे कोई दिखता है तो, बट यहाँ पे आप चाहो तो टेंट भी ले सकते हो। सो ये गांव भी सारा इंडिया का है पार्ट। सो ये जो है ये सबसे नियरेस्ट है, अभी एक बार मैं जाके वहाँ भी देखता हूँ जो हमारे यहाँ की कोबरा पोस्ट है कि वहाँ पे क्या है सेटिंग, फिर मैं आपको वहाँ की इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आई थिंक आपको सुनाई दे रहा होगा वहाँ पे किसी नेता की रैली चल रही है, उसकी आवाज़ें आ रही हैं। वू, आई एम एट POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो अभी मैं आपको कुछ और चीज़ भी दिखाता हूँ जो अभी मुझे यहाँ पता लगी। ये जो आप फ्लैग देख रहे हो दो, ये जो फ्लैग है ये तो है पाकिस्तान का, ये है आज़ाद कश्मीर का। तो ये मुझे नहीं पता था, ये भी यहाँ आके पता लगा कि ये फ्लैग, एक फ्लैग पाकिस्तान का है, एक फ्लैग आज़ाद कश्मीर का है। सो देखोगे ना वहाँ पे भी टूरिस्ट आए हुए हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे होटल्स यहाँ से भी ज़्यादा बने हुए हैं। ये देखो ये कितने बड़े बड़े होटल्स बने हुए हैं, ये सारे वहाँ के होटल्स हैं। सो अभी जो मेरे होटल वाले ने भी बताया था, बेसिकली यहाँ पे भी आर्मी का काम चल रहा है, तो वहाँ पे वो एक पार्क टाइप बना रहे हैं और दो तीन नए नए होटल्स भी बन रहे हैं। अभी तक होम स्टे चलता था, अब आगे जाके ये होटल्स भी शुरू हो रहे हैं यहाँ पे। सो ये आर्मी के अंडर है इसीलिए इतना सही से मेंटेन है, अगर ये, अब आप समझ सकते हो कुछ चीज़ें ना बोली नहीं जाती, वो चीज़ें खुद समझ ली जाती है। सो ये आप सामने जितने भी होटल्स देख रहे हो ना, ये सारे पाकिस्तान के होटल हैं। अभी तो आपको और पास से दिखाऊंगा। ये देखोगे ना यहाँ पे, देखो लेडीज भी घूम रही है, ये पाकिस्तान की है, ये होटल्स हैं वहाँ के। आई थिंक मैं पाकिस्तान की तरफ जा रहा हूँ। जोक्स अपार्ट, तो यहाँ के लोगों ने बनाया हुआ अपने लिए, तो मेरे को एक किसी ने बताया था। ये आगे का रास्ता है जो कोबरा पोस्ट की तरफ जाता है, या आई थिंक पीछे रह गई है, आई एम नॉट श्योर। अभी आप देख रहे हो ना ये केसर लॉज में, वहाँ पे सारे खेल रहे हैं बच्चे। अभी आवाज़ें आ रही थी तो मैंने कहा फटाफट से रिकॉर्ड कर लेता हूँ। कैसे हो? अच्छा कोबरा पोस्ट कहाँ है? अच्छा ये है कोबरा पोस्ट। ओहो मैं पता नहीं कहाँ से बहुत दूर चले गया था मैं। अच्छा तो वहाँ से क्या दिखता है? क्या भी नहीं दिखता, बस ऐसे ही है जैसे ये है, सेम ही है जी, बस ऐसे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप बताओ जरा, रिकॉर्ड कर लूँ आपको? आपको रिकॉर्ड कर लूँ कैमरे में? ना ना नहीं रिकॉर्ड करूं ना, लोग नहीं समझेंगे ना। अच्छा चलो ठीक है, मैं पहाड़ियां। ये है कोबरा पोस्ट जो है ना, वो ये वाली पोस्ट है, ये रहा ये पॉइंट जो है, ये कोबरा पोस्ट है, और यहाँ पे ये सारा पाकिस्तान है एज सच। वहाँ पे वो बता रहे हैं कि कुछ नहीं है, सेम एज इट इज ऐसे ही है। सो चलो, इसका मतलब तो ये हुआ कि हम तो कोबरा पोस्ट से भी आगे होके आए हैं, वेंट मच बियॉन्ड द कोबरा पोस्ट। इंडिया फर्स्ट व्लॉगर, यार ये भी तो हो सकता है डेफिनेटली, क्योंकि मैंने आज तक कोई व्लॉग नहीं देखा। मैंने जब आना था, आने से पहले मैंने कुछ ढूंढे कि कोई गया है, तो कोई नहीं गया। इंडिया फर्स्ट व्लॉगर वेंट मच बियॉन्ड कोबरा पोस्ट। सो टाइटल मिल गया हमें, अब फटाफट से चलते हैं।
हमें ये बस देखना था कि कोबरा पोस्ट कहाँ है, अब हमें मिल गई। मैं उससे बहुत आगे होके आ गया, बहुत आगे। सो मुझे कुछ नहीं मिला आगे, तो मुझे लगा कि शायद कुछ होगा, थोड़ी सी गलती होगी, मैं जो ऊपर की साइड से चले गया था, जिस वजह से कोबरा पोस्ट मुझसे मिस हो गई थी। तो चलते हैं फटाफट से यहाँ पे वापस और देखते हैं कि क्या है। जब यहाँ तक आए ही हुए हैं, कोबरा पोस्ट से आगे भी चले गए हैं, तो कोबरा पोस्ट भी जाना बनता है। सो एक बार कोबरा पोस्ट भी जा रहे हैं। बहुत थक टूट गया हूँ, बुरी तरह से पैर दुख रहे हैं, लेकिन करना ज़रूर है आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने देखा होगा, तो आज आप ये सब देखोगे। पहले जब मैं गया था यहाँ से, मैं यहाँ चले गया था, आई थॉट कि आगे होगा यहाँ, ये कोई रहता है, बट कोबरा पोस्ट यहाँ से है सामने, बहुत ही पास में, और मैं कितना आगे चले गया था, क्योंकि पूछने के लिए यहाँ कोई नहीं था। बट द जर्नी वॉज अमेजिंग। वेलकम टू कोबरा पोस्ट। कोबरा पोस्ट का और यहाँ तक जाता है, ये है कोबरा पोस्ट, ये हट। सो हम उससे काफ़ी आगे तक होके आ चुके हैं। सो आई थिंक आगे ना रिस्ट्रिक्टेड है, सो इट्स बेटर कि हम जो इंडियन आर्मी के रूल्स हैं उनको फॉलो करें और अंदर ना जाएं। जैन आंटी से मैंने पूछा कि आंटी यहाँ के बारे में थोड़ा बताओ कि क्या दिक्कतें आती हैं आपको। सो कह रहे, उन्होंने बताया कि कह रहे कोई दिक्कत नहीं आती, हम आराम से अपनी लाइफ जी रहे हैं। सो मैंने पूछा कि वहाँ से यहाँ से कभी ऐसा कुछ हुआ है, कुछ डिस्टर्बेंस या कुछ ऐसी दिक्कत हुई है, तो उन्होंने बताया, कह रहे हम उधर कोई बात ही नहीं करते। सो उन्होंने ये भी बताया था, मेरे होटल वाले ने बताया था कि यहाँ पे कई बार लोग कपड़े धोने भी आते हैं उनकी साइड से भी। सो आंटी आए हुए थे लकड़ियाँ इकट्ठी करने, कुछ जो बकरियाँ होती हैं लकड़ियाँ यहाँ ले आती हैं, सो वो इकट्ठी करके वापस घर ले जाते हैं, ताकि उनको रात को जलाने के काम आए, क्योंकि गैस की इतनी अरेंजमेंट है नहीं। 1600 बंदे वहाँ चले गए थे, 1600 घर पार चले गए सर। उस वक्त उग्रवाद था। अच्छा, उस वक्त उग्रवाद काफी था। हाँ, सही है, 1990 की बात है। 90 की बात है सर, प्रॉपर 90 की बात है। अच्छा, तो उस वक्त उग्रवाद जो था, उस वक्त जंगल से वो आते थे, बढ़ते थे गांव में। अच्छा, गांव में घुस जाते थे, तो फिर वो लोग आए घरों में घुस गए, तो उन्होंने लोगों को बोला कि भाई आप फटाफट करो, जंग लगने वाला है। अच्छा, और वो वहां ले गए, धोखा दे दिया ना सर। तो उन्होंने सोचा यार ये सेवल लोग हैं, तो इनको हथियार किसने दे दिया, जब इनके पास हथियार है तो इसका मतलब है जंग लगने वाला है, जंग लड़ने वाले। वो लोग डर के मारे उठकर वो पाकिस्तान चले गए, सारे उधर चले गए। अच्छा, तो जब वो पार पहुंचे तो गवर्नमेंट थी, उनको कौन छोड़ता। हाँ, फिर उनको ले लिया उन्होंने मुजफ्फराबाद की तरफ। अच्छा, उधर ले गए। हाँ जी सर, इसलिए ये इलाका खाली हो गया। अब जो लोग हम यहाँ बच गए, हमें बहुत ताउन किया फौज ने यहाँ की। हाँ, अच्छा, जब हमारी फौज को पता चला कि ये लोग भाग गए, फिर अपना फौज आ गया यहाँ, तो उस वक्त महार रेजिमेंट थी, वो जब यहाँ आए उन्होंने लोगों को जमा किया और बोला कि भाई जो लोग यहाँ बचे हुए हैं, और हमारे कुछ एक्स सर्विसमैन थे। हाँ जी, तो अच्छा, जो आर्मी में ही थे, जो आर्मी से रिटायर आए थे। हाँ जी, उन्होंने भी मतलब हेल्प किया गांव वालों को। अच्छा, लोगों को जमा किया कि आप लोग पार नहीं जाना, तो हमारी गवर्नमेंट इतनी बड़ी तकड़ी गवर्नमेंट है, अगर हमें कोई ऐसा मामला होगा, जंग का मामला होगा, तो गवर्नमेंट रेडी है, पहले जगह में ले जाएगी। हाँ जी, यहाँ से गुरु से मत आप निकलो। फिर 90 के बाद सर यहाँ बम्बार्ड हुए। अच्छा, हाँ, पार पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का आपस में गोला बम्बार्ड हुआ, तो हम लोग यहाँ ही रहे। हाँ, हम वो तब आपको सेफ जगह ले गए होंगे सबको। नहीं नहीं नहीं, हम अपने घरों में रहे सर। अच्छा, हमारे ऊपर अल्लाह के फजल हुए, हम अपनी फौज के साथ शाना बशाना काम करते रहे। इस वक्त भी हमारे जो बच्चे हैं, कोई 12वीं पास है, कोई 14वीं पास है, वो फौज के साथ पोर्ट काम करते हैं। फौज की तो, हाँ, मैं जहाँ होटल में रह रहा हूँ वो भी फौज के साथ ही करते हैं। अभी हमारा कोई और जरिया यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ बाजार नहीं है, यहाँ पे कोई मतलब और काम नहीं है। हाँ जी, तो हमारा जो भी काम है वो अपने फौज के साथ है। हाँ, तो फौज के साथ तो थोड़े टूरिस्ट भी आने लग गए अभी, थोड़े इस साल देखे सर,
तो वो बता रहे कि 4 महीने पहले ये ओपन हुआ है एज अ टूरिस्ट जी सर, जी सर इसी साल हुआ है। हाँ। तो आस्ता आस्ता हो जाएगा ये। हाँ नहीं नहीं ये तो है तो हमारे बच्चों का ये प्रॉब्लम हुई सर, ये सबसे नजदीक बॉर्डर जो है ये केरन की है, केरन की सबसे नजदीक बॉर्डर है ना। तो अल्लाह के फजल है सर, यहाँ पे अमन है, ऐसा कोई मामला नहीं है। हाँ, नहीं अब तो बहुत सेफ है, अच्छे तरीके सेफ से रह रहे हैं हमारे लोग, क्योंकि अगर वहाँ से सही रहेंगे यहाँ से भी सही रहेंगे तो सब सही चलता रहेगा। जी सर बिल्कुल सही, जहाँ पे अलकर थोड़ा सा बिगड़ा नहीं माहौल तो फिर खराब हो सकता जी सर। नहीं नहीं अभी लोग समझ गए हैं। हाँ जी हाँ, नफा क्या है और नुकसान क्या है, नुकसान क्या है। हमें अपनी गवर्नमेंट ने आज तक तो हमने पावर नहीं देखा था। हाँ जी, हमारे बुजुर्गों ने 47 से लेकर इस वक्त तक जब ये मुल्क का बंटवारा हुआ तो पावर नहीं था, पावर नहीं। इस साल हमारी इस गवर्नमेंट ने इतना हेल्प किया हमें कि हमारा पावर यहाँ पहुँच गया। हाँ। हमने भी रोशनी का मुंह देखा जी सर, है ना। नहीं अब तो है इलेक्ट्रिसिटी, तो हम तो पछताते थे, हम सोचते थे कि भाई जम्मू वाला कब आएगा, हम उसकी शक्ल देखें या जम्मू वाला हमारी शक्ल देखेगा। ओहो अच्छा। कई हमारे बुजुर्ग हैं जो बेरोजगार हैं। हाँ। मुलाजम नहीं है, वो कहाँ जाते बेचारे जम्मू देखने के लिए, जम्मू देखने के तो लिए। इस साल अल्लाह का फजल हुआ हमारी फौज के जरिए हमारे वो लोग भी यहाँ तक आए। हाँ नहीं अब तो काफी, वो बता रहे हैं कि 6 से 7 हज़ार टूरिस्ट पिछले 3-4 महीने में आ गए। जी सर जी सर, हमारा जो कुछ भी है अच्छा निजाम हो रहा है, है ना। अभी हमारा रोड भी ठीक हो रहा है। हाँ वो तो पार्क भी बना रहे हैं ना नीचे। जी सर, अभी हमें उम्मीदें हैं कि आस्ता आस्ता हमारा इलाका तरक्की करेगा, तरक्की करेगा। नहीं नहीं करेगा। बिल्कुल, क्योंकि मैं देखता हूँ ना वहाँ तो बहुत कुछ बनाया हुआ उन्होंने। और सबसे बड़ी चीज ये है सर कि हमारे इस 30-40 साल में हमारी जो सिविल हुकूमत रही उसने इस इलाके को डेवलपमेंट नहीं किया, जो डेवलपमेंट इस साल में हुआ। तो अब तो सारा आर्मी करवा रही है ना? आर्मी ने करवाया, आर्मी ने करवाया। हम बड़े शुक्र गुजार हैं इस चीज़ के। हमारी वो तो इंडियन आर्मी तो हमारी आर्मी ने बहुत बड़ा हेल्प किया और हम लोगों के लिए बहुत अच्छा सोच रही है। हाँ जी हाँ जी, बहुत अच्छा सोच रही है। तो हमारे अक्सर यहाँ पे सर 100 में से तकरीबन 70% लोग जो हैं वो अपना फौज के साथ काम, फौज के साथ मुलाजम यहाँ पे नहीं है। इस साल तो हमें थोड़ा 80 लग गया काम को, तो काम की थोड़ी हमें शॉर्टेज आ गई, थोड़ी गुर्बत आ गई हमें, वरना हमारा गुजारा हो जाता गुजारा था हो जाता। फौज की मजदूरी पे। सही है सही है जी सर, तो हमें बड़ी खुशी है इस चीज़ की। नहीं बिल्कुल सही, चलो ठीक है। अच्छा, ओके ओके भाई, थैंक यू। अभी जिनसे मैं बात कर रहा था उन्होंने जो बातें बताई सो आप समझ सकते हो कि उस पे तो मैं कोई विचार नहीं करना चाहता, बट ये जो गाँव है यह है बाला केरन गाँव। सो ये केरन बाला मतलब केरन एक जगह है, उसके अंदर बाला केरन और 2-3 अलग अलग नाम के हैं। सो ये एक ऐसा बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान का, सबसे क्लोजेस्ट बॉर्डर ही ये है, इससे ज़्यादा क्लोजेस्ट बॉर्डर नहीं है कोई। सो अभी भी देखोगे ना तो ये जो सामने ये वाले होटल्स हैं, ये वाले ये सारे पाकिस्तान के हैं और उन्होंने बहुत अच्छी डेवलपमेंट करी हुई है, बहुत अच्छे से सड़क बनाई हुई है, सब कुछ बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं किया, यहाँ पे भी शुरू हो चुका है, नीचे एक पार्क बन रहा है और 2-3 अच्छे अच्छे होटल्स भी बन रहे हैं। थी हमारी कुछ जर्नी टूवर्ड्स बियॉन्ड द कोबरा पोस्ट। मुझे किसी ने बताया, कह रहे कोबरा पोस्ट से आगे आप जा रहे थे ना, वहाँ से 4.5 किलोमीटर और आगे जाने के बाद आपका एक गांव आता है भोर, वो गांव जो उनसे है वो एक लास्ट बॉर्डर है इस लोकेशन का। वहाँ पे एक पुल बना हुआ है जो इंडिया और पाकिस्तान को जोड़ता है, लेकिन वो पुल बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ है, जा नहीं सकते। पुल है, तोड़ा नहीं हुआ, लेकिन फिर मैंने कहा अच्छा हुआ नहीं गया, जहाँ पे जाना अलाउड नहीं है वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। रिस्पेक्ट इंडियन आर्मी। सो मैंने सोचा है कि इस ब्लॉग को मैं अलग से डालूंगा, इस ब्लॉग को सारे ब्लॉग्स के साथ नहीं डालूंगा, बेसिकली डेली ब्लॉग जो पूरे दिन का ब्लॉग होता है ना वो बन गया, वो एक अलग बनाऊंगा। इस जर्नी का, इस जो आज मैं कोबरा पोस्ट होके आया हूँ इसका मैं अलग बनाऊंगा। सो अब मैं चलता हूँ होटल सामान समून पैक करता हूँ और उसके बाद निकलते हैं हमारे बंगस वैली के लिए। बंगस वैली अगर अलाउड हुआ तो जाऊंगा, अगर नहीं अलाउड हुआ तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो कह रहे हो सकता है वहाँ स्नो हो, एक बार कन्फर्म कर लेना, अगर वो जाने देते हैं तो जा सकते हो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, यू नो द ड्रिल, लाइक करना इसके लिए कि इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको आपका बनता है, आपको करना चाहिए। बहुत बहुत ज़्यादा आगे चले गया था, मुझे लग रहा है कि क्या हाल है मेरे पैरों की। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, दिस इज गुरप्रीत साइनिंग ऑफ, जय हिंद बाय बाय। और ये देख लो लास्ट टाइम इंडिया पाकिस्तान, वो जो ऊपर स्नो पड़ी है ना वो सारी पाकिस्तान में पड़ी है, वो जो ऊपर घर देख रहे हो वो सब पाकिस्तान के, ये सारा पूरा पाकिस्तान का एरिया।
सो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, दिस इज गुरप्रीत साइनिंग ऑफ, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।